हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जिन टॉपिक को कवर करने वाला हूं वो इस प्रकार है, आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें, आधार कार्ड बना है या नहीं या स्टेटस कैसे चेक करें, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ें, आधार कार्ड में पता कैसे बदलें और पाँचवा पॉइंट है जो आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है कैसे चेक करें। तो दोस्तों बिना देरी किए मैं आपको आज ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर दोस्तों हमारा ये चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना है udai.government.in, इस साइट पे आपको जाना है। तो सबसे पहले अपने को क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे अपने को डालना है उदय। उदय डालने के बाद में दोस्तों जैसे ही साइट ओपन होगी तो आपको जो फर्स्ट नंबर पे है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया टैब ओपन होगा। तो दोस्तों ये आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI.government.in। दोस्तों जैसे ये साइट ओपन होती है तो आपको मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अपन करेंगे आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले अपन आधार कार्ड डाउनलोड करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे माय आधार पे क्लिक करना है। जैसे माय आधार पे क्लिक करते हो तो फर्स्ट नंबर में गेट आधार का ऑप्शन है, इसमें नीचे फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड आधार, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक कर लेते हो तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें तीन ऑप्शन आता है इलेक्ट्रिसिटी कॉपी ऑफ आधार डाउनलोड करने के, तो आप आधार नंबर से भी आप आधार को डाउनलोड कर सकते हो और जो आधार अपन इनरोलमेंट नया आधार बनवाते हैं रसीद मिलती है उसके द्वारा भी आप 14 डिजिट डाल के आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हो और वर्चुअल आईडी के द्वारा भी आप आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको आधार नंबर से आधार कार्ड निकालना सिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। जो भी दोस्तों आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना है, नहीं तो आपके आधार कार्ड में क्रॉस मार्क आ जाते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आपको ये कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है AFHCH। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कैप्चा स्मॉल है तो स्मॉल डालना है, कैपिटल है तो कैपिटल डालना है और नंबर है तो नंबर डालना है। उसके बाद में सेंड OTP क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है अपने वीडियो को लाइक करें और आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके ज़रूर आप हमसे शेयर कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद में आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाता है तो आपको चेक कर लेना है। जैसे दोस्तों मेरे मोबाइल पे OTP आ गया है तो मैं उसको चेक करके इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों आपके मोबाइल पे भी कुछ मिनट में OTP आ जाता है तो आपको 6 डिजिट का OTP आता है 6 नंबर का, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे यहाँ पे आपको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अन्यथा आपके मोबाइल पे OTP नहीं आएगा। जैसे दोस्तों आप OTP डाल देते हो 6 डिजिट में तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिड यू नाउ दैट यू कैन ऑर्डर रिप्रिंट योर आधार लेटर फ्रॉम वेबसाइट, आपको यहाँ पे सब पे नो करना है और वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक कर देते हो उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपका ये आधार कार्ड डाउनलोड हो जाता है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे कोने पे आ रहा है आधार ई आधार डाउनलोड, तो दोस्तों ये अपना आधार कार्ड है वो PDF फाइल में डाउनलोड हो चुका है तो अपन इसको यहाँ पे सो फोल्डर पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि अपना आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है तो अपन इस पे PDF फाइल को ओपन करेंगे। जैसे दोस्तों PDF फाइल ओपन करेंगे तो अपने सामने कुछ इस प्रकार से PDF फाइल ओपन हो जाती है।
तो दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल के लिए एक पासवर्ड डालना होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका नाम कमलेश है तो दोस्तों आपको फर्स्ट वाले चार डिजिट आपके ये नाम के फर्स्ट चार नेम के कैपिटल ये जो लेटर है ये आपको डालना है। जैसे ये आपको नीचे डालना है, और जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1/1/1998 है तो आपको ये 1998 ये आपको यहाँ पे डालना है। दोस्तों ये इसका पासवर्ड हो जाता है पीडीएफ फाइल ओपन करने का। तो जैसे आपका नाम है, जैसे आपका कोई भी नाम हो, जैसे मेरा नाम है पवन, तो आपको यहाँ पे नाम के पहले चार बड़े अक्षर डालना है और लास्ट में जो आपका डेट ऑफ ईयर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको आधार कार्ड के पासवर्ड मैंने बता दिए हैं। तो मैं जैसे डाल देता हूँ और उसके बाद में पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, पीडीएफ फाइल कुछ इस प्रकार से वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर ओपन हो जाती है। और दोस्तों इस प्रकार इसमें ये डिजिटल साइन आ जाता है और इस प्रकार ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाती है। तो आप अपने आधार को प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुआ आधार कार्ड को डाउनलोड करने वाली बात क्लियर। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी। और दोस्तों अपन चेक करते हैं आधार कार्ड बना है या नहीं, उसका स्टेटस कैसे चेक करें। तो दोस्तों आपको फिर से आधार की वेबसाइट पर जाना होगा और आपको दोस्तों माय आधार पे क्लिक करके यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऑप्शन है चेक आधार स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नए पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। और दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसी आधार कार्ड संबंधी छोटी बड़ी ऐसी सारी जानकारी सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को भी आप डाउनलोड कर सकते हो घर पे। दोस्तों आपको यहाँ पे 16 डिजिट डालना है। और दोस्तों फिर यहाँ पे आपको जो ये है, यहाँ पे जो पीस की आपको जो आधार कार्ड बनाया आपने वो पीस रिसिप्ट नंबर डालना है। दोस्तों जब आप नया आधार रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवा के आते हो तो आपको वो वहां पे एक रसीद देता है, तो वो रसीद नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट और टाइम डाल देना है और ये कैप्चा डाल के आप स्टेटस चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आप स्टेटस चेक कर सकते हो आधार का। उसके बाद में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे जोड़ें, तो दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ना बेहद ही आसान है। आपको माय आधार पे क्लिक करना होगा और अपडेट योर बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट ये क्लिक कर देना है। लोकेशन जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे लोकेशन आपकी जो भी लोकेशन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें जयपुर और यहाँ पे प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट। दोस्तों आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। और इसमें दोस्तों आप इस प्रकार